हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो उम्मीद है बेटा आप सब लोग अच्छे हैं। और चक्रव्यूह बैच में जहाँ पे हम लोग जो है जेई एडवांस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे, इस सीरीज़ के अंदर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है बेटा। जेई चैलेंजर पीडब्ल्यू का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को ये पीवाईक्यूज की सीरीज़ प्रोवाइड कराई दी जा रही है, ताकि आप एक बार हर चैप्टर का अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर पाएं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू। स्पेशली वो बच्चे जो एडवांस को लेके काफ़ी सीरियस हैं, और उनको बेटा पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जेई में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आप वही नहीं करेंगे तो फ़ायदा कैसे होगा, जेई के अंदर सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यही सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। आज बारी है सर्कल्स चैप्टर की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा डिस्कस, राइट। पहले मैंने काफ़ी टीचर्स ने कराया, मैंने भी हाइपरबोला कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब करेंगे हम सर्कल्स के पीवाईक्यूज। सर्कल्स देखो एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है जेई में। कई बार इसके क्वेश्चंस बहुत बहुत इजी आते हैं, और जनरली क्लास नोट से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बोलते हैं ना एडवांस बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा टफ है उसको क्लियर करना, और स्पेशली मैथ्स का पोर्शन बहुत टफ आता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर जहाँ पे क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑन अ होल के लिए हम ये कह सकते हैं जनरली इसके क्वेश्चन स्कोरिंग आते हैं। कभी कभी तो देखो किसी भी चैप्टर में से बहुत ज़्यादा टफ आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑन एन एवरेज इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको ज़रूर एग्जाम में टाइम देना चाहिए ताकि आपसे वो क्रैक हो जाए। चलिए, तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स के पीवाईक्यूज जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2020 का एडवांस्ड का। स्ट्रैटेजी वही रहेगी, पहले आप बेटा पॉज करके देखेंगे, ट्राई करेंगे खुद से। आंसर हाइड किया हुआ है मैंने, अपने आप को 5 से 7 मिनट का टाइम देंगे, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मेरी हिंट देखेंगे, बस पहला स्टेप देखेंगे कि सर ने क्या किया हुआ है, फिर उसमें 5 मिनट और दीजिए। और इस तरह से एक क्वेश्चन में 10 मिनट देने के बाद ही आप उसको पूरी तरह से देखेंगे सॉल्यूशन। ये नहीं कि बस लगा हुआ है वीडियो पे, वीडियो चलाए जा रहे हैं 2x पे, वो नहीं करना है। एम इज नॉट टू जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो, बट सो दैट आप उससे सीखें भी बेटा कुछ। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल बड़ा अच्छा दिख रहा है, सेंटर ओरिजिन वाला। सपोज पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज दिस। समझ गए, तो एक तरह से हमें ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है पी क्यू, जिसकी इक्वेशन भी हमें दी हुई है। इस लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है, पी क्यू लाइन की इक्वेशन है 2x + 4y। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो काम यही है कि एक नीट एंड क्लीन फिगर बनाइए। जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी अजीबो गरीब फिगर बनाएंगे तो फिर आपको कई बार क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ तो ओरिजिन इसका सेंटर ही है, राइट, ओ तो यहीं पर है। सो ट्राइंगल ओ पी क्यू का जो सर्कम सेंटर है उसकी बात की जा रही है। ट्राइंगल ओ पी क्यू, अब तुम्हें एक बात पता है कि ट्राइंगल ओ पी क्यू जो है इस ये एक आपको क्या बोलते हैं, कॉनसाइक्लिक ट्राइंगल, कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बनता है इसको मिला के। अगर हम टेंजेंट्स को मिला दें, अगर हम पी और क्यू पे टेंजेंट्स बना दें और सपोज इस पॉइंट्स को आर बोल दें, तो जो आर पी ओ क्यू होता है वो कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट, क्योंकि ये 90 है टेंजेंट और रेडियस, 90 ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू की बात करने को कह रहे हैं, यानी जो सर्कल ओ पी क्यू से पास करेगा वो एक तरह से पी से भी पास कर रहा होगा, पी से भी बेटा पास कर रहा होगा। वो इस तरह का कुछ फिगर मैं बना देता हूं। ठीक है भाई, देखिए अभी दिखेगा आपको, इस तरीके का सर्कल बन जाएगा, करेक्ट, जो ओ से भी पास कर रहा है और तुम्हारा पी और क्यू और आर से भी पास कर रहा है। मान लो ओ यहीं पर है, फर्क क्या पड़ता है, ओ को आप थोड़ा सा इधर को ले लीजिए, करेक्ट, या आर को थोड़ा ऊपर ले लीजिए, सो दैट आर का पॉइंट हमारा यहां पे आ गया। चलिए, तो इस तरह का फिगर बन गया है, इस तरह का फिगर बन गया है। नाउ What is being said is, if the center of the circle of triangle OPQ lies on this line, तो जो O, ये जो circle है red वाला, इसका जो center होगा उसका OR diameter भी होगा। ये भी आपने class में सीखा है कि भाई OR इसका diameter भी होगा, OR इसका diameter भी होगा। क्यों? क्योंकि angle in semi circle 90, so OR is diameter. OR is diameter.
ऑफ द रेड सर्कल, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ ओ आर क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट एक्स वन वाई वन मान लिया है और ये तो ओरिजिन है ही, सो सेंटर हो जाएगा हमारा एक्स वन बाय टू कॉमा वाई वन बाय टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स वन बाय टू प्लस टू वाई वन बाय टू इक्वल टू फोर, तो यहां से एक्स वन प्लस सॉरी एक्स वन बाय टू प्लस वाई वन बराबर फोर आ गया। एक इक्वेशन एक्स वन वाई वन में मिल गई है, एक इक्वेशन एक्स वन वाई वन में मिल गई है और एक और इक्वेशन मिल जाएगी क्योंकि एक्स वन वाई वन की ये लाइन पी क्यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की यही इक्वेशन होती है। बट हमें इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, हमें तो इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, पी क्यू की इक्वेशन दैट इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 5। तो यहां से कोफिशियंट्स कंपेयर करेंगे, x1 वन बाय टू वाई वन बाय फोर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 5। तो यहां से आप देखिए x1 की वैल्यू आ गई 2r स्क्वायर बाय 5 एंड y1 की वैल्यू आ गई 4r स्क्वायर बाय 5। चलिए अब देखते हैं निकालना क्या है, r की वैल्यू निकालनी है बस, अब तो हो गया क्योंकि x1 और y1 की अगर ये वैल्यूज यहां पुट कर दी जाए, x1 की जगह 2r स्क्वायर बाय 5 और एक 2 थाई, y1 की जगह 4r स्क्वायर बाय 5, 2 से 2 कट गया, सो 5r स्क्वायर बाय 5 बन गया ये इक्वल टू 4, r स्क्वायर बराबर 4, तो रेडियस की वैल्यू बेटा 2 बन गई है, रेडियस ऑफ द सर्कल शुड बी 2, रेडियस 2 हो गया है। बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए बढ़िया प्रॉब्लम, रेडियस की वैल्यू 2 हो गई है, करेक्ट। ये हो गया हमारा सवाल, ये हो गया हमारा सवाल। सर ये रेडियस ग्रेटर देन रूट 5 बाय 2 क्यों दिया है, ये क्यों दिया था सर, क्योंकि बेटा बेसिकली ताकि ये लाइन उसे इंटरसेक्ट कर जाए, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन इस लाइन से निकालें सेंटर का, तो सेंटर का डिस्टेंस देख लेते हैं, ओ एम डिस्टेंस 5 बाय रूट, ये देखिए 16 प्लस 4 20, तो रूट 5 बाय 2 बन गया है, यानी जो रेडियस है वो इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन कॉर्ड है, बेसिकली कॉर्ड बनाने के लिए ये दिया हुआ था ताकि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पर्टिकुलर लाइन शुड बी लेस देन रेडियस, ये डिस्टेंस आया है रूट 5 बाय 2, सो रेडियस बड़ा है यानी क्लियरली ये लाइन कॉर्ड है, कॉर्ड बनाने के लिए दिया है इसलिए। चलिए तो ये हो गई है बात, ये हो गई है पहला क्वेश्चन 2020 एडवांस्ड का, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगला लेते हैं 2021 का, 2021 का लेते हैं, ठीक है। तो 2020 21 22 23 24 इनके सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आज के लेक्चर में। तो देखिए 2021 में क्या है, ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स एक तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, मतलब वाई इक्वल टू जीरो है, और एक लाइन ये ले लो एक ही बात है x प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो पर लाई कर रही है, तो ये पॉइंट तो निकल आया माइनस वन कॉमा जीरो, करेक्ट, ये पॉइंट तो निकल ही आया माइनस वन कॉमा जीरो। ऑर्थो सेंटर फर्दर वन कॉमा वन दिया है, तो ऑर्थो सेंटर तो आपको पता ही है जहां ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं, ये पहला ऑल्टीट्यूड हो गया, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड हो गया और ये तीसरा ऑल्टीट्यूड हो गया, जहां ऑल्टीट्यूड जाके मिलते हैं वो पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर, वो हमें 1,1 दिया हुआ है, 1,1 ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, करेक्ट। निकालना क्या है, सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ये तो एक काम करते हैं, इसको ए बी और सी ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट तो तुम्हारा अल्फा कॉमा जीरो ही हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, अल्फा कॉमा जीरो मान लिया। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्योंकि बेटा ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास अच्छा अल्फा तो निकल आएगा, सोचो अभी इसकी बात भी कर लेते हैं। बेसिकली थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि ये वर्टेक्स ऑलरेडी है, ये दोनों वर्टेक्स भी अगर मिल जाएं तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, भैया थ्री पॉइंट से सर्कल तो हम निकाल ही लेंगे, सो दैट इज द थॉट प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन। तो अल्फा जीरो अगर ये मान लिया तो क्लियरली बी एच जो है परपेंडिकुलर होगा इसके, है ना, बी एच तो परपेंडिकुलर होगा ए सी के, सो स्लोप ऑफ ए सी माइनस वन है, देखो इस लाइन की स्लोप माइनस वन है, तो स्लोप ऑफ बी एच वन हो जाएगा, एम वन एम टू माइनस वन, और स्लोप ऑफ बी एच लिख लो वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस अल्फा, तो वन माइन वन इक्वल टू वन माइनस अल्फा, सो अल्फा की वैल्यू तो जीरो आ गई, दैट मीन्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, जीरो कॉमा जीरो ही आ गए हैं, अल्फा जीरो हो गया है। अब बिल्कुल ऐसे ही
इसको भी कुछ मान लेता हूं सर, इसको बीटा गामा मान लूं क्या? देखो थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएंगे, क्योंकि ये वाई इक्वल टू जीरो है और ए एच इसके परपेंडिकुलर है, तो वाई इक्वल टू जीरो के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है भाई? वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? सोच के देखो, जब भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो वो क्या होती है? एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, यानी इस लाइन पर, ए एच लाइन पर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना? थोड़ा थॉट प्रोसेस लगा रहा हूं, यानी एक्स अगर वन है यहां तो यहां भी एक्स वन ही रहेगा, तो वन कॉमा बीटा लेट कर लीजिए ए को, करेक्ट? ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो वन ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स इक्वल टू वन पर ही लाई करेगी। तो अब बीटा कैसे निकलेगा? वन कॉमा बीटा इसे सेटिस्फाई करा दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो वन कॉमा बीटा सेटिस्फाइज एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो, तो वन प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, बीटा की वैल्यू माइनस टू आ गई है, तो बस अब तो तीनों वर्टाइसेस मिल गए बेटा, तीनों वर्टाइसेस मिल गए। और एक बार तीनों वर्टाइसेस अगर मिल गए हैं ए बी सी, तो उसका सर्कम सर्कल निकालना तो काम उतना मुश्किल अब है नहीं। ये तो ओरिजिन है ही, ये तो ओरिजिन है ही, और ए बी सी मैंने उल्टे मार्क कर दिए क्या? ए है वन कॉमा, नहीं सही है, वन कॉमा बीटा विच वॉज माइनस टू, वन कॉमा माइनस टू, और वो है माइनस वन कॉमा जीरो। तो अब आप क्या कर सकते हो? जी एफ सी मान लो, जैसे करना है सेंटर निकालना है वैसे कर लो, तीन पॉइंट से सर्कल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, और सी नहीं ले रहा हूं, सी तो जीरो ही आएगा बिकॉज ओरिजिन से पास करना है। ये सर्कल मान लिया, एक काम ये भी कर सकते हो, ऑप्शन चेक कर लो भाई बेस्ट है, कौन कौन से ऑप्शन इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तरीका तो तुक्केबाजी लगा देता हूं, ओरिजिन है तो सारे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट जीरो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, सी इसमें कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो ए बी सी में से अब देख लेते हैं कौन से पॉइंट को माइनस वन जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। तो वाई जीरो डाल के माइनस वन आ रहा हूं, वाई जीरो डाल के, वाई जीरो डाल के माइनस एक्स माइनस वन इसमें आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां से भी आएगा, वाई जीरो डाल दिया तो एक्स माइनस वन। तो अभी तक बी और डी समझ आ रहे हैं, एग्जाम में भी तुम्हें ये करना है, ठीक है ना? ये नहीं बैठ के पूरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। बी और डी में से अब कोई बचा है? ए तो कट गया क्योंकि माइनस वन कॉमा जीरो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सी वैसे ही कट गया था क्योंकि इसमें कांस्टेंट दे दिया जबरदस्ती। तो बी और डी में से अब देख लेते हैं किसको सेटिस्फाई कर रहा है वन माइनस टू, एक्स वन डाल के वाई माइनस टू, वन डालेंगे तो फोर और वन माइनस टू, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? नहीं, अगर आपको लगता है नहीं सर हम ये टेक्निक नहीं लगाते, राइट मेथड क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है, तो भाई साहब बैठ के यहां पे पॉइंट्स डालिए, एक बार माइनस वन कॉमा जीरो डाल लो, वाई तो जीरो ही डाल रहे हैं, तो तुम्हारा वन इक्वल टू टू जी हो गया, तो टू जी की वैल्यू वन आ गई, एक इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, वन माइनस वन कॉमा जीरो मैंने सेटिस्फाई करा दिया है बेटा। फिर हम वन कॉमा माइनस टू भी सेटिस्फाई करा देते हैं, तो वन प्लस फोर प्लस टू जी इंटू वन प्लस टू एफ इंटू माइनस टू बराबर जीरो, टू जी की जगह तो वन डाल ही दो, छः इक्वल टू फोर एफ, तो टू एफ की वैल्यू थ्री बन गई, टू एफ की तरह जगह थ्री डाल दो, तो यही ऑप्शन तुम्हारा आ गया है बी ऑप्शन, करेक्ट? ये भी एक तरीका हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये इसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है मेरे पास, जो कि आप लगा सकते हो बेटा एग्जाम के अंदर भी, ठीक है? ये एक तरीका है, ये तो मतलब नॉर्मल थॉट प्रोसेस है, हर इंसान इसको कर सकता है, और अच्छा ऐसा नहीं कोई खराब मेथड है, बढ़िया मेथड है। इसका एक और मेथड अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने एक बात पढ़ी है, देखो तुम्हें यहां ऑर्थो सेंटर दिया है और तुम्हें क्या दिया है सर्कम सर्कल की बात करने को, तो तुमने एक बात पढ़ी हुई है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगले मेथड में एक तरह से ये इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वर्टेक्स मेरे पास नहीं है, ये वाले मान लो नहीं निकाले मैंने, है ना? वर्टेक्स निकल गया फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया, एक ही वर्टेक्स है बस जो डायरेक्टली मुझे मिला हुआ था, ये वाला, ठीक है? बाकी दो वर्टेक्स पे अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और थॉट लगा रहा हूं। क्या थॉट लगा रहे हो सर? देखो ऑर्थो सेंटर की तुम्हें पता है इमेज कहां लाई करती है, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन द एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल कहां लाई करती है, जल्दी सोच के बताइए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज ऑन सर्कम सर्कल, ये एक प्रॉपर्टी होती है, जिन्हें नहीं पता है लिख लेना नोट्स में, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो ये ऑर्थो सेंटर है, इसकी अगर मैं इमेज ले लूं एच डैश तो हमेशा सर्कम सर्कल पे आएगी, अगर इस साइड पे इमेज ली, ये साइड क्या थी वाई जीरो,
यानी x एक्सिस, तो 1, 1 की इमेज क्या होगी x एक्सिस में, 1, -1, सो 1, -1 विल बी अ पॉइंट ऑन सर्कम सर्कल, ठीक है, 1, -1 सर्कम सर्कल का एक पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली एक और साइड थी ये वाली x + y + 1 = 0, इसमें भी आप इमेज निकाल लीजिए, इसको भी मिरर मान के इमेज निकाल लीजिए, तो जो एच डबल डैश आएगा इसका, जो इमेज निकाल लोगे ना इमेज का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन वाला, वो भी सर्कम सर्कल पे आएगा। तो तुम्हें सर्कम सर्कल पे तीन और पॉइंट्स मिल गए, पहले तो तुमने एबीसी निकाले थे, अब तुम्हें तीन कौन से पॉइंट्स मिल गए बेटा, एक ये मिल गया, एक ये और एक ये, इन तीन पॉइंट्स की मदद से भी तुम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बताया कि कभी भी ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी भी साइड में निकाली जाए तो वो हमेशा सर्कम सर्कल में जाती है। इधर क्यों नहीं निकाली, ये साइड ही नहीं थी ना मेरे पास, इस साइड की इक्वेशन नहीं थी ना, वरना ये भी निकाल लेता, करेक्ट। तो दो साइड की इक्वेशन थी, दोनों में ऑर्थो सेंटर की इमेज निकाली, तो दो पॉइंट वहां से आ गए, एक ऑलरेडी था, तो 3 पॉइंट से सर्कल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये भी अच्छा मेथड है इमेज के कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। तो मेथड नंबर 2, यूजिंग इमेज, कर लेना आप इसको कंप्लीट, बस मैंने बता दिया है आपको, फर्स्ट से पूरा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेते हैं, 2024 का ही ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, जल्दी से इसको ट्राई करते हैं। लेट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x टचेज अ सर्कल विद सेंटर 0, α। स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x, सेंटर है 0, α, अल्फा पॉजिटिव है, रेडियस r एट अ पॉइंट a1, ठीक है, थोड़ा फिगर रफ फिगर बना लेते हैं, इसको एक लाइन टच कर रही है y इक्वल टू 2x a1 पॉइंट पे, y इज इक्वल टू 2x a1 पॉइंट पे, और इसका सेंटर है 0, α और रेडियस है r, तो इमीडिएटली एक इक्वेशन तो मिल गई, क्योंकि तुम्हें पता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस होता है, तो जल्दी से 0, α का डिस्टेंस इस लाइन से लिखता हूं, x0, तो y α अपॉन √5 का मॉड डिस्टेंस ऑफ 0, α फ्रॉम दिस लाइन शुड बी इक्वल टू r, तो अल्फा इक्वल टू 5 टाइम्स √5 टाइम्स r हो गया, और क्योंकि अल्फा पॉजिटिव था इसलिए मैंने मॉड को पॉजिटिव से खोल दिया। एक इक्वेशन तो मिल गई अल्फा और r में, एक इक्वेशन ऑलरेडी दी है, देखो अल्फा प्लस r इज 5 + √5, करेक्ट। b1 इज द पॉइंट ऑन द, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, चलो, लेट b1 इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट लाइन सेगमेंट a1 b1 इज डायमीटर, ठीक है, तो b1 इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गया, a1 के डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गया, यहां ये हो गया b1, ठीक है, ठीक है। फर्दर अल्फा प्लस आर इज 5 √, तो अल्फा और आर में दो इक्वेशन मिल गई, अल्फा की जगह √5 r यहां डाल देता हूं, तो √5 r + r इक्वल टू 5 + √5, तो r कॉमन √5 + 1, इधर से √5 कॉमन √5 + 1, √5 + 1 कट गया, तो r की वैल्यू आ गई √5 और अल्फा की वैल्यू आ गई √5 × √5, दैट इज 5। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, अल्फा और आर निकल आए। अब देख लेते हैं, अल्फा आ गया 5, यानी पी मैचेस विद 4 और आर इज इक्वल टू √5, आर मैचेस विद 2, मतलब क्यू मैचेस विद 2, तो p4 q2, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। अब a1 और b1 और निकालने हैं, a1 मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो इसको कुछ मान लेता हूं, लेट a1 कर देता हूं, क्योंकि इस पे सेटिस्फाई भी करेगा, अल्फा तो ऑलरेडी है, तो a, 2a मान लेता हूं, a, 2a इस पॉइंट को मान लेता हूं, करेक्ट। और अब तो आसान हो गया, m1 m2 -1 रख देता हूं भाई, क्योंकि इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, 2a - α / a - 0, इसकी स्लोप हो गई, और इसकी 2 है तो इसकी -½ हो गई, m1 m2 -1, करेक्ट। अल्फा ऑलरेडी निकाल लिया है, 5 है, यहां 5 रख दो अल्फा की जगह, तो a सॉल्व हो जाएगा भाई, इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो 4a - 10 = -a, 5a = 10, a की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर a1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 4, यानी कि a1 के कोऑर्डिनेट्स 5 से मैच कर रहे हैं 2, 4, सो जो r है दैट मैचेस विद 5, r मैचेस विद 5, सो सी ऑप्शन ही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट करना चाहो तो कर सकते हो, इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन होगा, तो ऑब्वियसली वो -2, जो भी आएगा, क्योंकि तुम्हें अल्फा को 5 लाना है, तो
छः आ जाएगा, माइनस टू कॉमा छः आ जाएगा, यानी कि क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ बी वन ए वन शुड बी जीरो अल्फा। खत्म। कितना आसान, मतलब बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। इससे ज़्यादा मुश्किल आजकल मेंस में आ रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा मुश्किल मेंस में आ रहे हैं आजकल क्वेश्चंस। तो ऐसे भी आते हैं एडवांस्ड में, डरना नहीं है। जो बच्चे, मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ जो बच्चे सोचते हैं ना यार हम तो मेंस भी बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे, एडवांस कहाँ हमारे बस की है, वो तो कोई और ही लोग करते होंगे। तो बेटा आप देखिए, ऐसे क्वेश्चंस क्या आप नहीं कर सकते? क्या मेंस में सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं आते हैं? कई बार आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ऐसे लगभग 18 अगर 36 सवाल आते हैं मैथ्स में एडवांस में, तो तुम्हें ऐसे आराम से 10 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन भी मिलेंगे इजी क्वेश्चंस, बस वो तुम्हें आइडेंटिफाई करके करने हैं। चलिए अगले पर आएंगे, 2022 के एडवांस का सवाल लिया जाए। एक सवाल लेंगे 2022 के एडवांस का, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक 2024 का हो गया, एक 21 का और एक 20 का। अब मैं 2022 का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ABCB या ट्राइंगल, AB 1 दिया है, AC 3 दिया है, एंगल BAC 90। तो साफ समझ आ रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम एक काम करते हैं, सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस साइड AB। तो क्लियरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस कर लेता हूं बेटा। इसको A मान लेता हूं क्योंकि यहां 90 है एंगल और AB 1 है, तो AB चाहे इसको मान लो 1.0 और C मान लो यहां AC क्योंकि 3 है तो ये 0.3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आ गया ताकि इक्वेशंस लिख पाऊं। फर्दर, सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेज द साइड्स AB AC एंड ऑल्सो टचेज इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ गए? तो अब ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल ABC है, इसका जो सर्कम सर्कल होगा, इसका सर्कम सर्कल ऐसा दिख रहा होगा, करेक्ट? ये इसका सर्कम सर्कल हो गया। तो हमारा एक ट्राइंगल है, हमारा एक और सर्कल है जो क्या कर रहा है, जो इस सर्कल को भी टच कर रहा है, सर्कम सर्कल को, और इसको AB एंड AC मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने मानी है, इनको भी टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। सो दैट सर्कल विल लुक समवट लाइक दिस, कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को टच कर रहा है और हमारे सर्कम सर्कल को भी टच कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए ये टच कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है जी, ये y एक्सिस को भी यहां टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है और इसको इंटरनली टच कर रहा है। ये व्हाइट वाला सर्कल की बात की जा रही है। देन द वैल्यू ऑफ r, r क्या था, r वॉज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, ये व्हाइट वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तुम्हें पता है जब भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है उसका रेडियस r, r टाइप का होगा। सो लेट इक्वेशन ऑफ न्यू सर्कल बी एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर है तो इसके सेंटर भी आर और आर ही होंगे क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, ठीक है सर। फर्दर वो उसको इंटरनली भी टच कर रहा है। इंटरनल टचिंग की कंडीशन तुम्हें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इसका सेंटर तो ये हो जाएगा C1 मिड पॉइंट, क्योंकि ये डायमीटर हो गया BC, सो मिड पॉइंट येलो वाले सर्कल का सेंटर C1 हो जाएगा 0.5, 3/2, और C2 हमारे वाले सर्कल का r, r, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इक्वल टू r1 - r2, निकाल C1 C2 का जो डिस्टेंस है r1 - r हो जाएगा वो। r1 क्या है, रेडियस ऑफ द येलो सर्कल, जो कि आप निकाल सकते हो, रेडियस ये डायमीटर हो गया, रूट 1² + 3² का आधा हो जाएगा, तो √10/2 इज द रेडियस ऑफ द ऑरेंज सर्कल। तो R1 की जगह √10/2, C1 C2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो एक इक्वेशन हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, R1 की जगह √10/2 माइनस R, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके R सॉल्व हो जाएगा। बेटा देखो, अगेन वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, होल स्क्वायर करें, थोड़ा कैलकुलेशन है बस। देखिए -3R इक्वल टू 10/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस √10R, एक आर स्क्वायर कटा, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा। अच्छा, 1/4 और 9/4 10/4 होते हैं, वो भी कैंसिल आउट हो गए, 10/4 भी बेटा कैंसिल आउट हो गए, करेक्ट। क्या क्या बचा, एक आर स्क्वायर, 3RR, 4R इज माइनस √10R। आर तो काट देते हैं क्योंकि जीरो तो होगा नहीं रेडियस,
तो आर माइनस फोर इक्वल टू माइनस रूट टेन, तो आर की वैल्यू फोर माइनस रूट टेन आ गई है, रेडियस की वैल्यू फोर माइनस रूट टेन, और रूट टेन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल लो बेटा बस, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो लगभग 0.83 आ जाएगा आंसर, करेक्ट, तो वो आप डाल सकते हैं, कोई खास मुश्किल चीज नहीं है। तो ये हो गया एडवांस 2022 का एक सवाल, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर, कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस आर कॉमा सेंटर आर कॉमा आर होता है, और इंटरनल टचिंग की कंडीशन दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज आर वन माइनस आर टू। चलिए एक और लेते हैं, एक और 2022 का लेंगे क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या करना है। इस वाले में जी इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन जीरो, जी वन जी टू जी थ्री जी एन, एन सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, ईच ऑफ एन सर्कल्स टचेज द सर्कल जी एक्सटर्नली। अच्छा क्या कह रहे हैं भाई, कि एक सर्कल है जी और कुछ एन सर्कल्स हैं जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे कि मान लो इस प्रकार का कुछ सर्कल हो गया है, ठीक है भाई, ऐसा इसकी करते हैं कॉपी ऐसे, और शायद वो खुद भी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं। ईच ऑफ द सर्कल टचेज एक्सटर्नली एंड सर्कल जी आई टचेज जी आई प्लस वन, मतलब जी वन जी टू को टच कर रहा है, जी टू जी थ्री को टच कर रहा है, तो ये चीज इस प्रकार से चल रही है, जी वन जी टू जी थ्री इस तरह से भी टच करते जाएंगे और उसको एक्सटर्नली, बड़े वाले को तो एक्सटर्नली सर्कल जी को टच कर ही रहे हैं। उम्मीद है समझ गए हो, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा बेटा, बनाते जाइए, बस ये बनाते जाइए, इस तरह से बनाते जाते हैं, इस तरह से बनता गया। कब तक होगा सर ये, जी एन तक होगा, देखो लिखा हुआ है आगे कि एनएथ सर्कल भी टच करेगा, एनएथ सर्कल भी क्या करेगा, एनएथ सर्कल भी बेटा टच करेगा किस वाले को, जी एन प्लस वन जो सॉरी जी वन जी एन जो है टचेस जी वन, मतलब वापस घूम के वो वहीं पर आ जाएगा, वापस घूम के वो इसी तरह से यहीं पर आ जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया, हमारा फिगर सिमेट्रिकल बन गया है, करेक्ट। तो इस प्रकार से अपने को फिगर दिखेगी कि जो एन सर्कल्स हैं वो सब एक एक अगले वाले को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और जो जी एन है, ये मान लो जी वन था, ये जी टू है, ये जी थ्री है, और ऐसे करते करते ये जी एन है, जी एन जी वन को टच कर जाएगा, लिखा हुआ है जी एन टचेस जी वन एक्सटर्नली, और ये वाला सर्कल जो रेड वाला है दैट इज द सर्कल जी, जिसको सब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। बस लैंग्वेज केयरफुली पढ़नी है, एडवांस के क्वेश्चन में आधा खेल तो लैंग्वेज का ही है, स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो बेसिकली मुझे अब दिख रहा है ऑप्शन में स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन निकालने को बोला जा रहा है, क्या कर रहे हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक इनइक्वालिटी बनाई है, तो हम स्मॉल आर और कैपिटल आर को जरा रिलेट करते हैं। देखिए तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल एंगल होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेंट्रल एंगल जो होगा ये पॉलीगन जो बनेगा, देखो ये इस तरह का पॉलीगन बनेगा ना, ये एक साइड हो गई, ये पहली साइड हो गई पॉलीगन की, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तो एन साइडेड पॉलीगन बनेगा, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके एन साइडेड एक पॉलीगन बन जाएगा, एन साइडेड पॉलीगन बन जाएगा बेटा, करेक्ट। तो जो उसके सेंटर्स को ज्वाइन करके जो पॉलीगन बना है उसका सेंट्रल एंगल 360 बाय एन होता है, तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल क्या होता है, 360 बाय एन होता है सर, सेंट्रल एंगल ऑफ पॉलीगन है ना 360 बाय एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स यानी कि नंबर ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर जी वन ये है, जी टू जी थ्री जी एन, तो एन साइडेड पॉलीगन बन जाएगा, यानी 360 बाय एन उसका सेंट्रल एंगल होगा, तो ये एंगल है 360 बाय एन। अब इसमें एक काम करता हूं, इसको यहां से भी जोड़ देता हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेता हूं ओ, इसको मान लेता हूं ए, इसको जी वन, इसको ए, ठीक है, तो इन ट्राइंगल, ये तो 90 हो गया, इस ट्राइंगल को बड़ा करके बना रहा हूं, इस ट्राइंगल को बड़ा करके बना रहा हूं, कौन से वाले को, जी वन ए ओ को, करेक्ट, ये 90 है, ये इसका रेडियस स्मॉल आर था, ठीक है जी, और ये वाला तुम्हारे पास ओ जीवन जो है, ओ जीवन साइड ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो ये स्मॉल आर प्लस आर हो गई, करेक्ट, ओ जीवन साइड जो है, ओ जीवन साइड तुम्हारी ये हो जाएगी, फर्दर
टोटल एंगल 360 बाय एन था तो इतना एंगल 180 बाय एन हो गया, पाई बाय एन हो गया, 180 बाय एन लिख लो, पाई बाय एन एक ही बात है, करेक्ट। और अब तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट हो जाएगा, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो साइन पाई बाय एन इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर हो गया। साइन पाई बाय एन की वैल्यू स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बन गई बेटा। तो हमें एक तरह से आर और कैपिटल आर में एक रिश्ता सा मिल गया है। फर्दर ऑप्शन में अब एन की अलग अलग वैल्यू डालनी है तो एन को डालता हूं इस रिलेशन के अंदर, एन को पहले 4 डालता हूं। चलिए तो साइन पाई बाय एन इज स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ए ऑप्शन में आर को 4 डाले जाएगा, सॉरी एन को 4 डाला जाएगा, तो साइन पाई बाय 4 वन बाय रूट टू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो रूट टू आर इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर, तो आर इंटू रूट टू माइनस वन इक्वल टू कैपिटल आर आ गया है। बट इन्होंने तो आर इंटू रूट टू माइनस वन को लेस देन कैपिटल आर बोला है विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमारा तो इक्वल आया भाई सीधे सीधे, फर्स्ट ऑप्शन में एन को 4 डाल के इक्वल आया है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया है। एन को 5 डालेंगे अब अगला, एन को 5 जब डालूंगा इसके अंदर सो साइन पाई बाय 5 इज आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। अब दिक्कत क्या है, साइन पाई बाय 5 तो सर हमें आता ही नहीं, साइन पाई बाय 5 कोई अच्छा एंगल तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पाई बाय 4 तो हमें पता है ना, तो तुम्हें पता है पाई बाय 4 बड़ा होता है पाई बाय 5 से, करेक्ट, पाई बाय 4 बड़ा होता है पाई बाय 5 से। और तुम्हें एक और बात पता है कि साइन तो इंक्रीजिंग है तो साइन पाई बाय 4 बड़ा होगा साइन पाई बाय 5 के, ठीक है जी। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है और साइन पाई बाय 5 की ये वैल्यू डाल दो तो एक तरह से एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई जो हम चाहते थे क्रॉस मल्टीप्लाई बिकॉज पॉजिटिव है। तो कैपिटल आर इज ग्रेटर देन रूट 2 माइनस 1 इंटू आर, कैपिटल आर ग्रेटर देन रूट 2 माइनस 1 इंटू आर। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्मॉल आर लेस देन आर, स्मॉल आर लेस देन आर, स्मॉल आर एक सेकेंड, एन इक्वल टू 5 के लिए। अच्छा ये वाला रिलेशन तो इसने बनाया नहीं है, पाई बाय 4 के साथ नहीं बनाया, रूट 2 की टर्म नहीं लाया ना, तो मैं समझ गया पाई बाय 6 के साथ लिया हुआ है, समझ गए। तो मतलब पाई बाय 4 में तो देखो रूट 2 की टर्म आ रही है, अब बी ऑप्शन ने उसमें स्मार्टनेस दिखाई है, रूट 2 नहीं लिया है, इसमें रूट 2 लिया था, इस वाले में रूट 2 नहीं लिया है, मतलब पाई बाय 6 का इस्तेमाल होगा। तो देखो पाई बाय 5 बड़ा है पाई बाय 6 से, करेक्ट, तो साइन पाई बाय 5 बड़ा होगा पाई बाय 6 से, साइन पाई बाय 5 भी बड़ा होगा साइन पाई बाय 6 से, साइन पाई बाय 5 की वैल्यू है आर अपॉन आर प्लस आर, बड़ा होगा साइन पाई बाय 6 तो हाफ होता है तुम्हें पता है, करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आ रहा है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आ रहा है भाई, इसने तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर दिया है तो ये भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत आ गया है, ठीक है। पाई बाय 6 की मदद से सिमिलर चीज बन गई। चलिए अब सी बनाते हैं, सी बनाते हैं भाई, सी ऑप्शन में देखते हैं एन को क्या डालना है, एन को 8 डालना है भाई, एन को 8 डालना है, एन इक्वल टू 8 डालेंगे तो साइन पाई बाय 8 बन जाएगा ये। और अब देखो तुम्हारा यहां पे उन्होंने रूट 2 माइनस 1 बनाया हुआ है, करेक्ट, यानी वही रूट 2 की टर्म ये वाली बनाई हुई है, यानी अब मैं पाई बाय 4 से कंपेयर करूंगा, पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन पाई बाय 8 तो साइन पाई बाय 4 बड़ा होगा साइन पाई बाय 8 से, यानी साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, बड़ा होगा साइन पाई बाय 8 की वैल्यू, ये हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटल आर ग्रेटर देन रूट 2 माइनस 1 इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़ा हो गया, कैपिटल आर बड़ा हो गया, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आया है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया है, करेक्ट। ऐसे ही बिल्कुल डी सॉल्व करते हैं बेटा, एन को पाई बाय 12 डालना है और ये रूट 3 प्लस 1 भी बनाना है, एन को 12 डालना है, सॉरी पाई बाय 12 नहीं, पाई बाय 12 तो अपने आप बनेगा, जैसे ही मैं एन को 12 डालूंगा तो साइन पाई बाय 12 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। अब साइन पाई बाय 12 साइन 15 डिग्री हो गया बेटा, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2,
इसका इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शन में भी दिख रहा है रूट थ्री प्लस वन क्रिएट करना है, यानी इसको रैशनलाइज भी कर देता हूं। तो ऊपर थ्री माइनस वन टू, ये पूरा टू से कट गया। सो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर हो गया वन बाय रूट टू रूट थ्री प्लस वन। तो रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, करेक्ट। यानी कैपिटल आर हो गया रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन इंटू आर माइनस आर। देखिए जरा ध्यान से, हमें दिया है कि ये चीज बड़ी है आर से, तो ये चीज ऑब्वियसली आर से तो बड़ी है ना, क्योंकि आर में तो एक माइनस आर भी आ गया है। तो ये जो इतनी क्वांटिटी है ये तो कैपिटल आर से बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपिटल आर में दिस माइनस समथिंग हो गया है। तो कैपिटल आर छोटा हो जाएगा और ये चीज बड़ी हो जाएगी। डी ऑप्शन भी सही हो गया भाई, डी भी सही हो गया। तो यानी सी और डी होने चाहिए, चेक कर लेते हैं। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, राइट। सी एंड डी दोनों सही हो गए हैं बेटा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, आप देख सकते हैं इस तरह से सर्कल की टचिंग वाली जो कंडीशन है इसमें बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा इस सब टॉपिक को लेके मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कराए आपको, टेंजेंसी से लेके। यहां पे भी सर्कल टच कर रहा था, राइट। पिछले वाले में भी सर्कल टच कर रहा था, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, और इसको। यहां पर भी टेंजेंसी का क्वेश्चन था 2024। तो टेंजेंट टू अ सर्कल पर, देखो सर्कल में क्वेश्चन बहुत है बट हमें क्योंकि एक सब टॉपिक पकड़ के आज कंप्लीट करना है, तो टेंजेंसी के ऊपर मैं आपको काफी सारे इसमें क्वेश्चन करा रहा हूं। इस वाले में टेंजेंसी से रिलेटेड ये नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन आ गया था, और ये भी टेंजेंसी से रिलेटेड था। तो टेंजेंट से रिलेटेड काफी सारे हमने आज सवाल निपटा लिए हैं। तो एक दो सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, चलो फिर मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एडवांस 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 का। लेट पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो इस लाइन में उसकी इमेज है 2.3 में, इमेज तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। इमेज का कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लेट ये दिस टी ए एंड टी बी बी सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 एंड 1 विद सेंटर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये ए एंड बी सेंटर्स हैं इन दो सर्कल्स के, जिनके रेडियस हैं 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। ऐसा कुछ हो गया, 2 एंड 1 के सेंटर्स हैं, सर्कल्स हैं, ठीक है। टी इज अ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड। अब जरूरी नहीं है सर्कल दूर हो, वो तो देखना पड़ेगा कैसे होंगे, बट ये है कि रफ फिगर बना लिए। अब ये बोल रहे हैं एक टेंजेंट लेनी है सच दैट सेंटर्स आर ऑन सेम साइड, मतलब डीसीटी की बात हो रही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, क्योंकि एक टेंजेंट टीसीटी भी हो सकती है बट उसमें क्या होगा, सेंटर्स बेटा ऑपोजिट साइड पर आ जाएंगे, राइट। सेंटर तो एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा, तो ये वाली नहीं, डीसीटी लेनी है यानी सेंटर सेम साइड पर लेने हैं, ठीक है। ये ए और बी तो तुम्हारे ये रहे, ए और बी, और इनके रेडियस भी दिए हैं 2 एंड 1। टी इज अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन सेम साइड। सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। अच्छा, तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स का इंटरसेक्शन है इसके साथ कौन सा पॉइंट, लेट टी बी, नहीं कहां गया, कहां गया, सी इज द पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा सी है एक तरह से, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स एंड कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको हम पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू टेंजेंट को पी क्यू मान लेते हैं। तो अब एक बात तुम्हें पता है कि ये क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं और ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, सी बी पी और सी ए क्यू। ट्राइंगल सी बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए क्यू, करेक्ट। ये बात तो तुम्हें पता ही है, ये बात तो तुम्हें पता है बेटा, थ्योरी में भी तुमने देखी है बहुत बार, ये यूज होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में। आगे क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ लाइन एसी पूछी गई है, ठीक है भाई। तो एसी की लेंथ पूछी गई है, समझ गए, समझ गए हैं हम। तो अब हमें एक बात तो पता है, क्या पता है सर, देखिए अगर एसी पूछी गई है तो ये लेंथ हमारे पास है, ए बी लेंथ है क्या हमारे पास सर, ए बी लेंथ तो मिली जाएगी क्योंकि इस लाइन का डिस्टेंस का डबल हो जाएगा ए बी भाई, क्योंकि भी इमेज थी तो 2.3 का इस लाइन से डिस्टेंस ले लेता हूं। तो एक्चुअली जो ए बी होगा, ए बी विल बी डबल ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, सो डबल ऑफ 8 to the 16 माइनस 18 माइनस 23 का मॉड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 10 हो गया। तो ये ए बी का लेंथ आ गया, ए बी का लेंथ क्या आ गया बेटा, ऊपर देखिए 25 बाई 10
25 टू द 50 बाई 10, 5 आ गया है ए बी की लेंथ, तो 5 आ गई है ये लेंथ तुम्हारी, 5 आ गई है बेटा ए बी लेंथ 5 आ गई है, करेक्ट ए बी 5 आ गई है। और अब सिमिलैरिटी यूज करके मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 2 है, सो आई कैन से दैट BC upon 1 इस ट्राइंगल का रेशियो ऑफ साइड इक्वल होंगे क्योंकि सिमिलर है, BC upon 1 इज इक्वल टू AC upon 2, करेक्ट, ये बात सही है, इतनी बात सही है। अब तुम क्या कहना है तुम्हें तो AC निकालना था, तो AC, तो BC को क्या लिख सकते हो, AC-5, इस BC को क्या लिख सकते हो, AC-5 लिख सकता हूं सर, तो AC-5 इज AC/2, तो 2AC-10 इक्वल टू AC, तो AC कट गया, AC की वैल्यू 10 आ गई बेटा, 10 हो गई, राइट 10 हो जाएगी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 10 होना चाहिए आंसर, आंसर क्या हो गया बेटा 10 हो गया। तो फिर से देख रहे हो, कोई बहुत ज्यादा टफ, कोई हाईफाई सवाल नहीं है ये एडवांस के क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट्स जो क्लास में बताए जाते हैं उनको आपको ढंग से लगाना है, बस फिगर ढंग से बना लेनी है, आपका चांसेस बहुत हाई है कि अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट के ऊपर कुछ सवाल मैंने अब आपको करा दिए हैं, अब 2-3 सवाल होमवर्क में दे देता हूं, 7-8 सवाल मैंने करा दिए हैं क्लास में, एक ये 2023 का भी एडवांस का सवाल है, वेरी सिमिलर, C1 सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर ओरिजिन, C2 भी सर्कल ऑफ रेडियस विद सेंटर एट 4 एंड रेडियस नहीं दिया, दोनों के सेंटर दिए, एक का रेडियस दिया है, 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट PQ टचेस C1 एट P एंड Q, टेंजेंट ST टचेस दिस, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन PQ एंड ST जॉइन फॉर्म ट्राइंगल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, बट मेरा मन कर रहा है सॉल्व करने का, बट मैं चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करें, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जो DCT वगैरह होती हैं उनका जो मिड पॉइंट होता है, DCT का मिड पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर लाए करता है, रेडिकल एक्सिस DCT या TCT का मिड पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर लाए करता है, क्योंकि मिड पॉइंट की बात की गई है, देखो द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट PQ एंड ST फॉर्म अ लाइन विच मीट्स एक्स एक्सिस एट बी, तो Y0 डाल देना, रेडिकल एक्सिस मतलब दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करके यही लाइन मिलेगी। तो अब आप ट्राई करेंगे इसको होमवर्क में, अच्छा प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। तो 2-3 सवाल अब होमवर्क में दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पे, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, एक ये 2018 का पैसेज है एडवांस्ड का ऑन टेंजेंट्स, आप ये भी कर लीजिएगा, आंसर की मैं अनहाइड कर दूंगा इनके आंसर्स, ठीक है। तो होमवर्क बता ही दिया है, ये PYQs कर लीजिए बचे हुए, और इसके साथ ही हमारा ये सेशन होता है समाप्त। देखो PYQs इन जो सेशंस का पर्पज है ना, वो है कि भाई आपको एक सब टॉपिक, चैप्टर का भी एक सब टॉपिक जिसपे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको ऊपर बार बार क्वेश्चंस कराने, ताकि आप समझ जाएं कि भाई किस तरह से उसके एप्लीकेशंस बनते हैं। तो आज जैसे मैंने सर्कल्स में आपका टेंजेंसी वाला पार्ट कवर किया है, टेंजेंट से रिलेटेड जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में, 2024 में भी आपने देखा है, 2023 में भी देखा, 2022 में भी, 2021 में थोड़ा सा डिफरेंट आया था, 2020 में भी आया है, तो बहुत चांसेस हाई हैं कि इस पे क्वेश्चन आपको फिर से एडवांस के अंदर दिखाई देगा। चलिए, सो आई होप आप लोगों को मजा आया बेटा आज के सेशन में, और जाते जाते मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए मैसेज, #IITJEE फोड़ना है, आप सभी का जो टारगेट है IIT के अंदर एंट्री पाना के लिए एडवांस क्लियर करना, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा करेंगे बेटा, ऐसे मेरी बेस्ट विशेज हैं आप लोगों के साथ, बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू।